बिल्कुल भी खड़े होने में पैर फिसल रहे हैं यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा तेज प्रेशर है अभी। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा जी की धारा जो है कितनी ज्यादा तेज और प्रबल है, और यहाँ पर अभी आप आवाज देख रहे होंगे कितनी ज्यादा तेज आ रही है, और ऐसे में अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आपने देखे कनखल में किस तरीके का दृश्य है अभी गंगा जी का, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो ऐसे में अभी आपको हम लेके चलते हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी घाट पर, और वहां पर जाके देखेंगे कि किस तरीके से जो है अभी जल की स्थिति है, और वहां पर जो है गंगा जी का कैसा अभी रूप है। हालांकि अभी 23 अगस्त है आज, और ऐसे में जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है पूरे उत्तराखंड में जो है अलर्ट है, क्योंकि जो है बारिश, भारी बारिश होने की जो है संभावना है, और ऐसे में बारिश हो भी रही है। रात से बारिश हो रही थी और अभी जाकर जो है थोड़ी सी बारिश जो है थमी है, और अभी आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो कुछ बादल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, और ऐसे में जो है अभी बारिश रुकी हुई है कुछ देर से, आधा पौन घंटा से बारिश रुकी हुई है। तो अभी हम चलते हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी घाट पर, और वहां के जो है आपको दर्शन करवाते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य है। 23 अगस्त की आज वीडियो देख रहे हैं आप, और यहाँ पर अभी आप जल की बात करें तो देख सकते हो जल जो है पूरा किनारे तक आ चुका है। ऐसे में जो जल काफी ज्यादा भर के चल रहा है, और जो गंगा जी की बहने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी का मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और इसके साथ ही दोस्तों अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है बादल है, और बारिश होने की पूरी संभावना है, और हालांकि एक दो बूंद जो है अभी बारिश हो भी रही है बहुत ही धीरे धीरे। और अभी अब यहाँ से हम चलते हैं मेन शिव सेतु के पास, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, और यहाँ से जो है जाते हुए सारे घाटों को जो है हम यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे और किस तरीके का दृश्य है आज हर की पैड़ी घाट पर, और मेन जो है घंटाघर घाट। तो चलते हैं यहाँ से दोस्तों और आपको यहाँ पर दर्शन करवाते हैं। सो अभी आ चुके हैं दोस्तों हम शिव सेतु के पास, और यहाँ से आप देख सकते हैं हर की पैड़ी का दृश्य जो है काफी सुंदर यहाँ पर नजर आ रहा है, और सामने आप देखोगे तो धनुष ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं धनुष ब्रिज, और यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा अगर जूम करो तो यहाँ पर आप भोलेनाथ की मूर्ति को यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। और अगर भीड़ की बात करें तो अभी ज्यादा घाटों पर जो है ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हालांकि कल रात से भी जो है ऐसे में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और अभी जो है दोस्तों दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में जो है श्रद्धालु की संख्या थोड़ी सी कम है, हालांकि बहुत ज्यादा भी कम नहीं है, श्रद्धालुओं की संख्या में जो है थोड़ा सा 19-20 का जो है फर्क है। तो हम यहाँ से अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको जो है दर्शन कराते हैं, और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर हाथी ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये भी घाट जो है अभी खाली पड़े हुए हैं, यहाँ ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर अभी नहीं है, और सामने हाथी ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर आपको जो है कई सारे होटल और आश्रम जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। सो अभी हम आ चुके हैं नाई घाट के पास, और कुछ इस तरह का दृश्य है आज। हालांकि देख सकते हैं बारिश हो रही है अब धीरे धीरे दोस्तों, बारिश अब तेज होने जा रही है, और कुछ इस तरीके का दृश्य। इस साइड तो घाट खाली है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और अभी आप आगे देख सकते हैं घंटाघर घाट के पास जो है काफी ज्यादा श्रद्धालु हैं, लेकिन ऐसे में जो है अभी गंगा स्नान के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी कम श्रद्धालु हैं स्नान करने के लिए। और अभी आप यहाँ पर जल की देख सकते हैं, जल जो है पूरी तरीके से रेतीला आ रहा है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ऐसे में लगातार जो है अभी बारिश हो रही है। सो अभी हम आ चुके हैं घंटाघर घाट के पास, और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य है। और दोस्तों श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जैसे कि आप पहले की वीडियो में आप देखते होंगे कि घाट जो है पूरा खचाखच यहाँ पर भरा रहता था गंगा स्नान के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हो आप काफी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु घट गए हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी घाट जो है खाली है यहाँ पर। पहले के बात करें तो अगर पहले के मुकाबले अगर बात करें जो आम दिन में जो श्रद्धालु आते हैं, हालांकि ऐसे में जो है बारिश भी हो रही है और उत्तराखंड में अलर्ट भी है, तो इससे भी जो लोग अभी थोड़ा सा आने से बच रहे हैं। और इस तरीके देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का दृश्य है आज, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ब्रह्मकुंड घाट, यहाँ भी जो है आपको देख सकते हैं आप घाट आपको थोड़ा यहाँ पर भी खाली दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे में जो है मेन रीजन जो है बारिश का ही है, क्योंकि आज और कल के लिए जो है काफी रेड अलर्ट है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सामने जो है भागीरथी सेतु ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य है, और आज जो है काफी जो है अच्छा दृश्य है, बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारे हैं। और यहाँ पर अभी आप पीछे देखोगे तो पहाड़ों पर जो है आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, तो आज का जो है बहुत ही सुंदर नजारा है।
हर की पैड़ी घाट पर। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ मनसा देवी का यहाँ पर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं नीचे की तरफ, मेन घाट की तरफ, और वहाँ पर अब जा करके आपको और दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गंगा जी की जो है मुख्य जलधारा, और यहाँ धनुष पुल। और ऐसे में जो आप यहाँ पर ये बीच में पिलर देख रहे हैं बने हुए, तो ऐसे में जो है टेम्परेरी पुल बनाया जाता है, जैसा कि कोई बहुत बड़ा स्नान वगैरह रहता है या कुंभ वगैरह जब लगता है तब जो है इनका यूज होता है। और यहाँ पर अभी आप सामने देख सकते हैं श्री शंकराचार्य मठ मंदिर, और यहाँ पर जो है आपको माँ गंगे की जो है माँ गंगे की जो है यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है आज। सो अभी हम आ चुके हैं घंटाघर घाट के पास, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सामने जो है आपको ब्रह्मकुंड घाट दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे में जो है बिल्कुल ही खाली है घाट इस टाइम पे, देख सकते हो आप बिल्कुल जो है खाली है, और ज्यादा श्रद्धालु आपको यहाँ पर आज दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये भी देख सकते हो आप। और यहाँ आपको घंटाघर दिखाई दे रहा है, तो ये जो है हर की पैड़ी के मुख्य घाट है यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। और जो सामने ये ब्रह्मकुंड घाट है यहीं पर जो है गंगा आरती होती है सुबह और शाम। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं और दृश्य। और ऐसे में देख सकते हो आप बारिश की वजह से जो है काफी श्रद्धालु जो है घट गए हैं, और देख सकते हो आप यहाँ पर। सो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है, और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं बहुत ही गिने चुने, यहाँ पर देख सकते हैं आप इधर एकदम जो है हर की पैड़ी पर ऐसा जो है कभी बहुत ही रेयर चांस होता है इस तरह से देखने को मिलता है कि श्रद्धालु आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहा हूँ। नहीं तो जो है ये घाट हमेशा जो है भरे रहते हैं, चाहे कितनी भी तेज धूप हो या कोई सा भी ऐसा मौसम हो, लेकिन अभी ऐसे जो है अलर्ट के वजह से है और बारिश लगातार होने की वजह से देख सकते हो आप यहाँ पर श्रद्धालु जो है अभी कम हो गए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। और ऐसे में दोस्तों आप मेरी कोई सी भी पुरानी वीडियो अगर हर की पैड़ी की देखोगे आप चैनल पर जाकर के जो है, तो आपको ये सारे घाट जो है उस टाइम में भरे हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो पूरे घाट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और सारे घाट जो है खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो आप इधर। और इधर जो है आपको गंगा जी की मुख्य जलधारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इधर साइड में। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये जो चैन है, ये आपने और वीडियो में देखा होगा, तो यहाँ पर श्रद्धालु जो है इनको पकड़ करके यहाँ पर जो है स्नान करते हुए रहते थे, और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन आज देख सकते हो ये घाट भी जो है यहाँ पर अभी खाली है। नहीं तो देख सकते हो आप इधर, और सामने जो है आपको महिला घाट, और यहाँ पर गंगा माता मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दृश्य है, और बारिश हो रही है यहाँ पर देख सकते हो आप इधर। और लेकिन दोस्तों जो अगर आज बात करें तो आज घाट की जो है सुंदरता जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे चारों तरफ जो है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर बादल देखेंगे तो चारों तरफ आपको थोड़ा धुंध दिखाई दे रही होगी, और इधर जो है तो मौसम जो है ऐसे में काफी जो है सुहावना हो चुका है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कितने ज्यादा बादल लगे हुए हैं, और ये बारिश जो है रुकने वाली नहीं है, बारिश जो है लगातार होगी, और वैसे रात से हो भी रही थी बारिश जो है लगातार, और ऐसे में बीच में अभी एक घंटे के लिए बारिश रुकी थी। तो ऐसे में आपको जो है हर की पैड़ी के दृश्य दिखाने के लिए जो है हम यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी जो है बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है, और अभी हम ले चलते हैं आपको गंगा जी के मुख्य जलधारा की तरफ में। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो गंगा जी के मुख्य जलधारा किस तरीके से जो यहाँ पर जल चल रहा है, और यहाँ पर अभी आप देखोगे और सामने जो है आपको यहाँ पर गंगा जी की मूर्ति दिखाई दे जाएगी माँ गंगे की, और यहाँ पर जो है आपको शिव भोलेनाथ जो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके का दृश्य है आज का दिन। सो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का घाट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको जो है घाट जो है काफी खाली खाली दिखाई दे रहा है आज के दिन। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य है आज के दिन।
बारिश के बीच। और ऐसे में दोस्तों अभी आप जो है उत्तराखंड के लिए यात्रा ना करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे में जो है अभी अलर्ट है, तो इसलिए जो है आप बारिश का जो है समय ये बीत जाने दें, उसके बाद जो है आप अपनी यात्रा जो है आप उत्तराखंड के लिए जो है शुरू करें, क्योंकि ऐसे में जो है आपको अगर इस टाइम पर आप आते हैं तो बारिश के कारण जो है आपको ऊपर की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होगी और कई जगह से जो है कार डाइवर्ट होगा। तो इसलिए जो है अभी आप बारिश ख़त्म होने के बाद जो है अपनी यात्रा जो है इस तरफ प्रारंभ करें। तो दोस्तों आज आपने किए हरिद्वार में हर की पैड़ी घाट के जो है दर्शन, और ऐसे में जो है लगातार बारिश हो रही है तो कुछ इस तरीके का दृश्य है आज का। तो अब इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें और दूसरों को भी जो है माँ गंगे के जो है दर्शन कराएँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।